सभी छात्रों को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और जो भी अध्यापकों द्वारा काम दिया जा रहा है उसे पूरा कर रहे हैं। तो आज हम 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में, अप्रैल मई का जो पाठ्यक्रम है उसमें मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं वो करने जा रहे हैं। 15 मुहावरे हैं, 15 लोकोक्तियाँ हैं। तो सबसे पहले हम मुहावरे करेंगे। तो उससे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि मुहावरे है क्या। एक साधारण तरीके से बात कही जाती है और जो दूसरा है विशेष ढंग से कही जाती है। तो जब हम किसी बात को विशेष ढंग से कहते हैं तो हम उसे बोलते हैं मुहावरा। तो उदाहरण के लिए, जैसे राकेश ने कक्षा में प्रथम आने के लिए बहुत मेहनत की, तो इसको अगर मुहावरे के ढंग से कहना हो जिसे जो वाक्य है बड़ा प्रभावशाली बन जाता है, तो हम कहेंगे राकेश ने कक्षा में प्रथम आने के लिए आकाश पताल एक कर दिया। हालांकि हमें यह भी पता है कि आकाश और पताल एक नहीं हो सकते, पर अपनी बात को विशेष ढंग से कहने के लिए जो मुहावरे हैं वो प्रयोग में आते हैं। तो दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे जो प्रदीप है वो पेपर खत्म होने के बाद आराम से सो रहा है। ठीक है, तो इसको हम विशेष ढंग से कैसे कहेंगे कि जो प्रदीप है परीक्षा खत्म होने के बाद वो घोड़े बेचकर सो रहा है। तो इसका ये हो गया विशेष अर्थ। तो कहने का भाव, जो मुहावरा होता है वो एक वाक्यांश होता है। वाक्यांश मतलब वाक का अंश, जिसे हम बोलते हैं हिस्सा। ठीक है, छोटा रूप। तो ये हमें सामान्य अर्थ ना बताकर जो है एक विशेष अर्थ बताता है। ठीक है, तो इसका वाक्य में जो प्रयोग है वो क्रिया के समान होता है। ठीक है, जैसे हम एक और मुहावरा लेते हैं, यहाँ पर अक्सर हम बात करते हैं अंगारे बरसना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो अर्थ लिया जाता है कि कड़ी धूप पड़ना, मतलब बहुत तेज धूप पड़ना। ठीक है, तो ये मुहावरे क्यों भाषा में प्रयोग होते हैं? ठीक है, तो भाषा में मुहावरों का जो प्रयोग है वो भाषा को सौंदर्य प्रदान करता है और उसकी सार्थकता जो है वो भी बढ़ाता है। तो भाषा इससे जो है प्रभावशाली बन जाती है, वो सशक्त भी बन जाती है। ठीक है, तो जो मुहावरा है वो किस भाषा से लिया गया है? ये अरबी भाषा से लिया गया है जो मुहावरा है, जिसका यहाँ पर अर्थ होता है रूढ़ वाक्यांश। मतलब वाक्यांश, जैसे मैंने आपको बताया, वाक का अंश जो रूढ़ होता है। ठीक है, तो मुहावरे जो होते हैं जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको व्यक्त नहीं करते, बल्कि जो रूढ़ अर्थ है, जो विशेष अर्थ है उसको प्रकट करते हैं। तो हम अब मुहावरे पर आते हैं। तो पहला जो मुहावरा है, आपके व्याकरण की पुस्तक में, तो वो है अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखना, इसका अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें अंगारों पर पैर रखना पड़े। या दूसरा हम और वाक्य भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो पुस्तक में लिखा हुआ है या जो अध्यापक ने बताया है, तो आप अपनी तरफ से भी जो वाक्य हैं वो बना सकते हैं। जैसे दुबले पतले रवि ने एक पहलवान को चुनौती देकर अंगारों पर पैर रख दिया है। तो दूसरा मुहावरा है अंगूठा दिखाना। इसका अर्थ होता है इनकार करना या मना करना। तो जैसे आप कह सकते हो कि मैंने अपने दोस्त से पुस्तक मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। तो तीसरा जो मुहावरा है वो है अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ होता है अपना मतलब निकालना, मतलब अपना जो स्वार्थ है वो पूरा कर लेना। तो स्वार्थी जो मित्र हैं उनसे बचकर रहना चाहिए, उन्हें तो अपना जो उल्लू है वो सीधा करना होता है। ठीक है, तो चौथा जो मुहावरा है वो है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना,
इसका अर्थ होता है सबसे अलग रहना, मतलब सबसे अलग रहना, ठीक है। अपनी खिचड़ी पकाने से कोई लाभ नहीं होता, इसलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये आप इसका वाक्य बना सकते हो। और उसके बाद है अकल पर पत्थर पड़ना, तो इसका अर्थ होता है सोच विचार ना करना। अकल पर पत्थर पड़ना का अर्थ है यहाँ पर कि कुछ भी सोच विचार ना करना। तो हम कह सकते हैं कि राजदीप जो है उसकी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, जो सारा दिन नशे में पड़ा रहता है। उसके बाद मुहावरा है आंखें चुराना, इसका अर्थ होता है नजर बचाना, ठीक है। तो इसका हम वाक्य बनाते हैं, बड़ा आसान, आप भी बना सकते हो खुद भी। तो सुरेश ने जब से राजू से पैसे उधार लिए हैं, तब उसे देखकर वो आंखें चुराने लगता है। तो उसके बाद बेटा अगला मुहावरा है आंखों में धूल झोंकना, इसका मतलब होता है धोखा देना। तो इसका आप वाक्य बना सकते हो कि पुलिस या कानून जो है उसकी आंखों में धूल झोंकना आसान नहीं है। उसके बाद है मुहावरा आस्तीन का सांप, ये आपने 8वीं कक्षा में भी मुहावरा किया हुआ है। तो इसका अर्थ होता है कपटी मित्र, ठीक है। तो उस समय जब देश गुलाम था, तो रानी झांसी बाई जो थी, एक तरफ तो अंग्रेजों के साथ लड़ रही थी, दूसरा जो थे उन्हीं के अपने राज्य के जो कुछ लोग थे जो विश्वासघाती थे, वो अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। तभी वहाँ उस पाठ में ये हमने मुहावरा किया था। तो इसका जो वाक्य है हम बना सकते हैं कि जो विश्वासघात करने वाला मित्र है, वो मित्र ना होकर आस्तीन का सांप होता है। विश्वासघात करने वाला मित्र ना होकर आस्तीन का सांप होता है। अगला है इस कान सुनना उस कान उड़ा देना, इसका अर्थ होता है किसी बात पर ध्यान ना देना। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सुनते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, ठीक है। तो किसी बात पर ध्यान ना देना, तो कहते हैं कि इसका वाक्य हम बना सकते हैं कि जो अमित है उसको कुछ भी समझाना बेकार है, क्योंकि वो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से उसे उड़ा देता है। तो अगला मुहावरा है ईंट का जवाब पत्थर से देना, मतलब मुंह तोड़ जवाब देना। तो आप इसका वाक्य बना सकते हो कि श्री हनुमान जी ने रावण को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। तो अगला वाक्य है उड़ती चिड़िया पहचानना, इसका अर्थ होता है अनुभवी होना, तजर्बा होना किसी बात का, ठीक है। जैसे बहुत से बच्चे अध्यापक के पास आते हैं, वो बहुत सी बहानेबाजी करते हैं, लेकिन अध्यापक जो है उनको पता होता है कि ये बच्चा सही बोल रहा है या कोई बहाना लगा रहा है। तो ऐसे ही आप जो है वाक्य भी बना सकते हो कि हमारे अध्यापक जी के सामने हमारी एक नहीं चलती, ठीक है, क्योंकि वो तो उड़ती चिड़िया को पहचान लेते हैं। तो अगला बेटा है ऊपर की आमदनी, ऊपर की आमदनी का मतलब होता है रिश्वत या भ्रष्ट कमाई, जो बुरे साधनों से जो है कमाई की जाए, ठीक है, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा, उसको हम बोलते हैं ऊपर की आमदनी, ठीक है। तो इसका वाक्य आप बना सकते हो कि जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो हमेशा हक की कमाई खाता है ऊपर की आमदनी पर, ठीक है, उसको विश्वास ऊपर की आमदनी पर वो विश्वास नहीं करता, ठीक है। तो दोबारा फिर से सुने कि जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो हक की कमाई खाता है और ऊपर की आमदनी पर विश्वास नहीं करता। तो अगला है एक एक रग जानना, ठीक है, एक एक रग जानना, इसका अर्थ होता है अच्छी अच्छी तरह से परिचित होना किसी के बारे में, हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होना, ठीक है। जैसे आपके माता पिता आपकी आदतों के बारे में जानते हैं, जैसे अध्यापक को भी आपके बारे में पता होता है, जैसे मैंने पहले कहा। तो आप वाक्य बना सकते हो कि तुम मेरे से तुम कोई बहाना जो है बनाकर नहीं बच सकते,
क्योंकि मैं तो तुम्हारी एक एक जो रग है उसको जानता हूं, मैं तो तुम्हारी एक एक रग जानता हूं। तो अगला मुहावरा है, कच्चा चिट्ठा खोलना। कच्चा चिट्ठा खोलना, इसका बेटा अर्थ होता है गुप्त वार्ता प्रगट करना। ठीक है, जो गुप्त वार्ता है उसको प्रगट करना। ठीक है, तो जो समाचार पत्र है वो सरकारी भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। ठीक है, जो समाचार पत्र होते हैं हम उसमें पढ़ते हैं कि कौन से मंत्री ने या कौन से कर्मचारी ने, ठीक है, जो भी गलत काम किया है, ठीक है, तो जो भी सरकारी पैसे की हेरा फेरी की है या कुछ भी किया है, तो हमें अखबारों से मतलब ये पता चलता है। तो आखिरी जो मुहावरा है वो है कफन सिर पर बांधना। इसका अर्थ होता है मरने के लिए तैयार रहना। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी जो भारतीय सेना है वो बड़ी बहादुर है। ठीक है, उसके जो सिपाही हैं वो हर समय देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। तो उसी पर हम जो है अपना जो वाक्य है बनाएंगे कि जो भारतीय सैनिक हैं कफन सर पर बांध कर युद्ध भूमि में जाते हैं। तो ये थे बेटा 15 मुहावरे जो 10वीं कक्षा के आपके पाठ्यक्रम में हैं, अप्रैल और मई के महीने में। ठीक है, तो ये आप जरूर अपनी कॉपी पर कर लेना। तो आज का हमारा जो एक विषय हमने कर लिया है मुहावरे, तो दूसरा विषय है लोकोक्तियाँ। तो ये भी आपके पाठ्यक्रम में है, अप्रैल और मई के महीने में आपने 15 लोकोक्तियाँ करनी है। तो सबसे पहले लोकोक्तियाँ होती क्या हैं, तो उसके बारे में जानना चाहिए हमें। तो लोकोक्तियों को कहावत भी कहा जाता है। तो भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए तो लोकोक्तियों का जो वर्णन है वो मुहावरों की तरह ही भाषा में होता है। ठीक है, तो लोकों में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहा जाता है, कि जो लोगों में कोई बात जो है काफी पुराने समय से चली आए, ठीक है, तो हम उसको लोकोक्ति कहते हैं। जो लोगों में जो बात ज्यादा प्रसिद्ध हो जाए, प्रचलित हो जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लोकोक्ति। ठीक है, तो ये ऐसा वाक्य होता है जिसके कथन की जो पुष्टि के लिए हमें प्रणाम स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि लोकोक्ति के पीछे जो है मानव समाज का अनुभव या अथवा हम कह सकते हैं कोई घटना होती है जिससे जो लोकोक्ति है वो बनती है। तो लोकोक्ति में जो है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, एक वो शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों अर्थ जो है इसमें प्रकट होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो हम लोकोक्ति जो आपके पाठ्यक्रम में है, तो पहले नंबर पर है, पहले क्रमांक पर है, अपना लाल गवार के दर दर मांगे भीख। अपना लाल गवार के दर दर मांगे भीख, इसका बेटा अर्थ होता है अपनी लापरवाही से जो है अपनी वस्तु नष्ट कर, अपनी वस्तु को बर्बाद कर दूसरों से मांगते फिरना। ठीक है, अपनी लापरवाही से अपनी वस्तु को नष्ट कर देना फिर दूसरों से मांगते फिरना। तो आप इसका जो वाक्य है खुद भी बना सकते हो, ठीक है, या मैं आपको वाक्य बता देता हूँ, आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे निर्मल सिंह ने अपनी सारी जो दौलत है वो शराब पीकर गवा दी, अब वो लोगों से उधार मांगकर गुजारा कर रहा है। इसी को कहते हैं अपना लाल गवाए कर दर दर मांगे भीख। तो दूसरी लोकोक्ति है आपके पाठ्यक्रम में, अधूरा छोड़े सो पड़ा रहे। बीच में छोड़ा गया काम अधूरा रह जाता है, ये आपके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत से बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा सा काम कर लेते हैं फिर वो छोड़ देते हैं। ठीक है, किसी भी काम को जब आप शुरू करते हो, शुरुआत करते हो, तो उसको जरूर पूरा करो। ठीक है, शुरू से ही जो बच्चे पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, हमेशा उनके जो अंक हैं दूसरों के बजाय हमेशा ज्यादा आते हैं। ठीक है, अध्यापक जो है कक्षा में सभी को एक जैसा ज्ञान देता है, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं, ए ग्रेड में आ जाते हैं, मेरिट में आते हैं। कुछ जो बच्चे हैं वो मतलब बहुत कम अंक लेकर पास होते हैं। तो इसका कारण वही है कि वो बच्चे कक्षा में ध्यान देते हैं, अध्यापक की कही बातों पर अमल करते हैं, और दूसरा
जो काम उन्होंने शुरू कर लिया उसको वो पूरा करते हैं। तो इसका जो अर्थ है, बीच में छोड़ा गया काम अधूरा रह जाता है, बीच में छोड़ा गया जो काम है अधूरा रह जाता है। ठीक है, तो जैसे कह सकते हैं कि राकेश ने पहले किराने की दुकान की, उसके बाद उसने मनियारी की दुकान कर ली, ठीक है, फिर वो भी काम छोड़ दिया, अब वो किसी कंपनी में लग गया, तो उसकी तो वो हालत है अधूरा छोड़े तो पड़ा रहे है। ठीक है, उसकी हालत अधूरा छोड़े पड़ा रहे जैसी हो गई है। तो अगला जो लोकोक्ति है वो है, अपना कोड बढ़ता जाए औरों को दवा बताए। अपना कोड बढ़ता जाए औरों को दवा बताए, मतलब दूसरों को नसीहत देना पर खुद उस पर ना चलना। ठीक है, तुझे हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से जो लोग होते हैं वो दूसरों को तो बहुत नसीहत देते हैं लेकिन आप खुद उस पर अमल नहीं करते। जब तक उस पर खुद अमल ना किया जाए, ठीक है, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। तो हम कह सकते हैं कि जो रजनी है वो दूसरों को तो खूब पढ़ने के लिए कहती है पर वो स्वयं पढ़ाई ना करने के कारण फेल हो गई। तो इसी को कहते हैं अपना कोड बढ़ता जाए औरों को दवा बताए। तो अगला है नंबर 4 पर, आसमान से गिरा खंजूर में अटका। आसमान से गिरा खंजूर में अटका, इसका मतलब होता है एक मुसीबत से निकल कर दूसरी में फंसना, एक मुसीबत से निकल कर दूसरी में फंसना। जैसे मोहनलाल का स्कूटर चोरी हो गया, ठीक है, वह मिल गया पर जैसे ही वो स्कूटर लेकर घर आ रहा था तो टक्कर मार बैठा, मतलब उसका उसकी दुर्घटना हो गई। तो इसी को कहते हैं आसमान से गिरा खंजूर में अटका। ठीक है, पहले उसका स्कूटर चोरी हो गया, चलो वो मिल गया, पहले एक मुसीबत आई तो वो स्कूटर लेकर आ रहा था तो रास्ते में दुर्घटना हो गई। ठीक है, तो इसको कहते हैं आसमान से गिरा खंजूर में अटका। तो अगला है, आंखों देखी सच्ची कानों सुनी झूठी। ठीक है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार हम भी क्या करते हैं जो सुनी सुनाई बातें होती हैं उन पर अमल करते हैं। ठीक है, तो आंखों से देखा ही सच्चा होता है पर कानों से सुना नहीं। तो इसका अर्थ ये है कि जो बात आप आंखों से देखते हो उसी को ही हमें सत्य मानना चाहिए, दूसरों से सुनी सुनाई बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो इसका हम वाक्य बनाते हैं कि सुनीता के कहने पर जो रजनी थी, ठीक है, रजनी को बुरी लड़की नहीं मान सकते। सुनीता के कहने पर जो रजनी है उसको हम बुरी लड़की नहीं मान सकते क्योंकि आंखों देखी सच्ची कानों सुनी झूठी बातें होती हैं। तो अगला है, ऊंट किस करवट बैठता है। ऊंट किस करवट बैठता है, इसका अर्थ होता है परिणाम ना मालूम क्या होगा, कि जो नतीजा है वो क्या निकलेगा इसके बारे में ना पता हो। भारत और पाकिस्तान में क्रिकेट के मैच में जो है जीतने की होड़ लगी हुई है, देखना है कि जो ऊंट है किस करवट बैठता है, मतलब क्या नतीजा होगा वो बाद में ही पता चलेगा। तो बेटा अगला जो अगली जो लोकोक्ति है वो है, एक तंदुरुस्ती हजार नियामत। एक तंदुरुस्ती हजार नियामत, मतलब सेहत जो है सबसे बड़ी नियामत है, अगर आप तंदुरुस्त हो इससे बड़ी जो कोई चीज नहीं है। ठीक है, सारा दिन पढ़ते रहने से भी कुछ नहीं होगा, खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कहा गया है एक तंदुरुस्ती हजार नियामत होती है, क्योंकि अगर सेहत ठीक होगी तभी पढ़ाई होगी। ठीक है, तो अपने पढ़ाई के साथ साथ आप अपने खाने पीने का भी जो है वो जरूर ध्यान रखना है। तो अगला बेटा लोकोक्ति है, औखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर। औखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर, कठिन कार्य करने का निश्चय करने के बाद, कठिन कार्य का निश्चय करने के बाद कठिनाइयों से क्या घबराना, कि जब आपने कोई काम को ठान लिया है कि हमने वो करना है। ठीक है, अगर हम कोई भी काम ठान लें
तो उसको करना है, तो जो रास्ते में जो भी मुश्किलें आती हैं उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, तो कठिनाइयों से कभी नहीं घबराना चाहिए। ठीक है, तो बहुत से देशभक्त हुए हैं, ठीक है, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए वो लड़े हैं, ठीक है, तो वो कभी नहीं घबराए। ठीक है, तो इस पर भी आप जो है वाक्य बना सकते हो। ठीक है, जहाँ आप जिंदगी में जो कुछ बनना चाहते हो, ठीक है, तो उसका एक लक्ष्य निर्धारित करो। ठीक है, और रास्ते में बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी, तो आपको उससे भी नहीं घबराना चाहिए। तो जैसे महात्मा गांधी जी भी थे, जो उन्होंने देश के आज़ादी के लिए बहुत से आंदोलन चलाए थे, ठीक है, तो बार बार अंग्रेजों ने उनको, ठीक है, उन पर बहुत सी धाराएं लगाई, उन्हें मतलब जेल के अंदर भी रखा, लेकिन फिर भी वो कभी नहीं घबराए। ठीक है, तो आप इस पर भी बना सकते हो कि जब सत्याग्रहियों ने महात्मा गांधी से अंग्रेजों के अत्याचारों की शिकायत की, तो गांधी जी ने उन्हें समझाया कि साथियों, जब ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर, कि जब हमने ये प्रण कर ही लिया है कि हमने देश को आजाद करवाना है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, तो फिर हम क्यों घबरा रहे हैं। ठीक है, तो अगला है, तो बता, अगला है, का वर्षा जब कृषि सुखानी, मुसीबत टल जाने पर सहायता आना, कि जब मुसीबत आ जाए तो उस समय कोई सहायता ना मिले तो बाद में सहायता मिले। ठीक है, तो घर के पूरा जल जाने के बाद आग बुझाने वाले आ गए, तो ये तो वही बात हुई, का वर्षा जब कृषि सुखानी। तो अगला है बेटा, कथनी नहीं करनी चाहिए, बातें बहुत परंतु काम कुछ नहीं, कथनी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो आजकल के नेता लोग हैं वो कहते बहुत कुछ हैं, उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है, क्योंकि जनता को उनकी कथनी नहीं करनी चाहिए। कहने का भाव कि वो बातें बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन जो काम है वो इतना नहीं करते। अगली लोकोक्ति है बेटा, कौवा कोयल को काली कहे, जैसे आपको पता है कौवा भी जो है काले रंग का होता है, कोयल भी काली होती है, तो इसका विशेष अर्थ ये बनता है कि दोषी दूसरे को दोषी कहकर उसकी बुराई करे, दोषी दूसरे को दोषी कहकर उसकी बुराई करे। ठीक है, जो सुरजीत है वो खुद तो नशे करता है, ठीक है, और वो जो निर्मल है उस पर इल्जाम, नशे करने का इल्जाम लगा रहा है, ये तो वही बात हुई, कौवा कोयल को काली कहे। तो अगली लकोक्ति है बेटा, क्या जन्म भर का ठेका लिया है, ये लकोक्ति है, इसका अर्थ होता है कोई किसी की जीवन भर सहायता नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे जो चाइनीज लोग हैं वो भी, उनकी भी कहावत है कि किसी व्यक्ति को मछली ना खिलाओ, उसको मछली पकड़ने का ढंग सिखाओ, ठीक है, ताकि वो अब जीवन भर कुछ कमाकर खा सके। ठीक है, तो मतलब जो चीन है वहाँ के लोग इस कहावत को, इस लोकोक्ति को मतलब प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ पर हम वाक्य बनाते हैं कि मोहन सिंह ने अपने बेटे अमन को पढ़ा लिखा कर नौकरी पर लगा दिया, ठीक है, उसे नौकरी मिल गई, लेकिन फिर भी वो अपने पिता से बार बार पैसे मांगता है, तो उसके पिता ने उसे साफ साफ मना कर दिया, क्या मैंने तुम्हारा जन्म भर का ठेका लिया है। उसके बाद है बेटा अगला वाक्य, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब होता है जो धोखा है वो एक बार होता है। ठीक है, तो इसका आप वाक्य बना सकते हो कि मैं तुमसे एक बार जो है धोखा खा चुका हूं, अब मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि काठ की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती। अगला है बेटा, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी जो हैं समाज में रहने वाले जीव हैं, हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, तो इसका अर्थ भी कुछ ऐसा ही है कि कोई किसी की सॉरी जरूरत में एक दूसरे की मदद करना। ठीक है, जरूरत में एक दूसरे की मदद करना, आज हम किसी की मदद करते हैं तो कल हम मुसीबत में होंगे तो वो भी हमारी जरूर मुसीबत करेंगे,
ठीक है, जैसे आप कक्षा में हो, ठीक है, तो बहुत से बच्चों को मैथ अच्छा आता है, गणित में अच्छे होते हैं, कोई अंग्रेजी में अच्छा होता है, तो आप इस तरह से एक दूसरे की मदद कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं लवप्रीत ने, ठीक है, दविंदर की गणित में सहायता की, तो दविंदर ने जो लवप्रीत है उसकी अंग्रेजी में मदद की, तो इसलिए कहा गया है कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर। तो बेटा आखिरी जो लोकोक्ति है वो है घर का भेदी लंका ढाहे, मतलब आपसी फूट से हमेशा नुकसान होता है। तो भारत को भी बड़े प्राचीन काल से होता रहा है, जब दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से जो राजे हम पर हमला करने आते थे, तो कुछ हमारे ही लोगों ने साथ दिया है, जिसके कारण हमें बहुत देर तक जो है गुलामी में मतलब रहना पड़ा, देश गुलाम हुआ, उसका कारण यही था कि हमारे लोगों में आपसी फूट थी, ठीक है। तो लेकिन ये जो कहावत है घर का भेदी लंका ढाहे, तो ये लंका जो हमारा साउथ में, दक्षिण भारत में एक छोटा सा देश है, श्रीलंका हम उसे बोलते हैं, तो जब श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ, तो रावण का भाई था विभीषण, तो उसने श्री राम की सहायता की थी। तो तब से ये जो लोकोक्ति है प्रचलित है कि घर का भेदी लंका ढाहे, मतलब आपसी फूट से नुकसान, ठीक है। तो देश में जो नशा है वो कुछ गलत व्यक्तियों के कारण या देशद्रोहियों के कारण ही फैल रहा है, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाहे। तो बेटा आज हमने मुहावरे और जो लोकोक्तियां हैं, 15 मुहावरे हैं और 15 ही लोकोक्तियां हैं, ये आपके अप्रैल मई के पाठ्यक्रम में है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है ध्यान से इनको सुनना है, ठीक है। जरूरी नहीं जो वाक्य मैंने बताए हैं आपने वही बनाने हैं, आप खुद भी अभ्यास करके अपने तरफ से भी जो वाक्य हैं वो बना सकते हैं। तो इसको आपने अपनी कॉपी पर, ठीक है, व्याकरण की अलग से आपने कॉपी लगानी है, पाठ्य पुस्तक की अलग लगानी है, तो उस पर बड़े सुंदर ढंग से इसको लिखना है, ठीक है। आप सभी का बहुत धन्यवाद।